कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास शासन करने का कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्वीन से कहा था कि भाई हमें भारत में शासन करने के लिए कुछ अधिकारियों की जरूरत है। हेलो रजत, नमस्ते, ठीक है, आप भी क्लास आ गए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अब क्लास को पढ़ते हैं। सो, उन्होंने कहा कि भाई जो है अब भारत में शासन करने के लिए हमें कुछ अधिकारियों की जरूरत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेड करने आई थी, उन्हें तो शासन का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो तो कहते हैं ना फ्लूक में उन्हें भाई शासन मिल गया था। तो अब जो है शासन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि भारत में कुछ अधिकारी बुलाए और जो सबसे पहले अधिकारी भारत में आए उनका नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल। दरअसल क्या हुआ, आपको मालूम है कि अंग्रेजों का शासन सबसे पहले तो बंगाल में ही हुआ था, तो उन्होंने जो अधिकारियों को बुलाया उनको नाम दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर। अब बंगाल के गवर्नर है, देखिए बंगाल के गवर्नर में सिर्फ एक ही आता है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव याद रखिएगा, ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये बंगाल का पहला और आखिरी गवर्नर था। बंगाल के गवर्नर का पद जो शुरू हुआ था उसमें सिर्फ एक ही आदमी आया था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और वो याद रखिएगा पहला और आखिरी गवर्नर था बंगाल का। रॉबर्ट क्लाइव याद रखिएगा, ही वॉज द फर्स्ट, बंगाल का पहला और आखिरी गवर्नर था। बंगाल के गवर्नर का पद जो शुरू हुआ था उसमें सिर्फ एक ही आदमी आया था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और वो याद रखिएगा पहला और आखिरी गवर्नर था बंगाल का। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म जो होता है वो 1725 में हुआ था इंग्लैंड में, सन 1725 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था, और ये 1744 में भारत पहुंचा था फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। एक्चुअली ये कंपनी का एजेंट बनकर के भारत आया था, लेकिन होता यह है कि कंपनी का एजेंट बनकर भारत आया था लेकिन बाद में ये कंपनी का गवर्नर बन गया। तो ही जस्ट केम एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी बट लेटर ऑन ही बिकेम द गवर्नर ऑफ द कंपनी, ये बंगाल का गवर्नर बन गया। और होता यह है कि आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया ही था मैंने कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने एडमिरल वॉटसन के साथ मिल करके कलकत्ता पर कब्जा किया और लास्ट नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को हरा दिया था बैटल ऑफ प्लासी में, आपको मालूम है। और होता यह है कि बैटल ऑफ प्लासी में जीतने के बाद मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। अब होता यह है कि बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन रॉबर्ट क्लाइव ने अपने हाथ में कब लिया था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद। फिर आपको मालूम है कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई और उसके बाद जो है अंग्रेजों ने फाइनेंशियल कंट्रोल भी जो है बंगाल का अपने हाथ में ले लिया था। इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट और डायार्की के नाम से जाना जाता है, बंगाल में दो पक्षीय शासन। तो आपको मालूम है कि बंगाल में उसने जो है प्लासी का युद्ध कैसे जीता था, जो नवाब सिराजुद्दौला थे उनका सेनापति था मीर जाफर, उसको जो है ना उन्होंने घूस खिलाई थी और घूस खिलाने के बाद जो है ये क्या बन गए थे, गवर्नर बन गए थे, क्योंकि उन्होंने बंगाल में प्लासी के युद्ध में हरा दिया था। इसके साथ ही साथ रॉबर्ट क्लाइव ने जो है कुछ फ्रेंच फोर्ट्स, जो फ्रेंच के जो किले थे उन पर भी कब्जा किया था। कहां पर किया था, बंगाल में। बंगाल में कुछ फ्रेंच फोर्ट्स पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था और इस तरह से जो है देखा जाए तो ब्रिटिश बिकेम द पैरामाउंट पावर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इस तरह से अंग्रेज जो है बैटल ऑफ बक्सर के बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एक पैरामाउंट पावर हो गए, मतलब सबसे बड़े पावर हो गए थे। रॉबर्ट क्लाइव इतना पावरफुल था कि जिसको चाहे उसे बंगाल का नवाब बना सकता था, इसीलिए जो है ही इज ऑल्सो नोन एज द किंग मेकर ऑफ बंगाल। याद रखिएगा, आपके रॉबर्ट क्लाइव इतने पावरफुल थे कि किसी को भी बंगाल का नवाब बना सकते थे, इसीलिए इन्हें किंग मेकर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। भाई आपको तो मालूम था कि राजाओं की कोई हैसियत तो थी नहीं। 1765 में जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पे समझौता हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई नवाब मुगल एम्परर शाह आलम टू और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, तो उसके बाद क्या डिसाइड हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस अंग्रेज देखेंगे जबकि जुडिशियल सिस्टम जो है राजा देखेंगे, और बदले में राजाओं को क्या मिलेगी,
पेंशन मिलेगी, और इसलिए राजाओं की कोई हैसियत तो थी नहीं, इसीलिए इसे किंग मेकर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इतना पावरफुल था कि किसी को भी राजा बना सकता था। रॉबर्ट क्लाइव जो है, याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर दो बार रहा था, 1757 से 1760 और 1765 से 1767, याद रखिएगा। तो दो बार ये बंगाल का गवर्नर रह चुका था। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टेन्योर एज बंगाल गवर्नर अंडर द नवाब मीर जाफर, करप्शन वॉज रैम्पेंट। आपको मालूम है कि होता क्या है कि जब बंगाल का ये गवर्नर बना था तो उस समय नवाब सिराजुद्दौला को हराकर इसने अपना वादा पूरा किया था और मीर जाफर को जो है उसने नवाब बना दिया था, लेकिन उस समय जो करप्शन था जो भारत में बहुत ज्यादा था। अब होता क्या है कि इसके बाद ये रिटर्न टू इंडिया इन वापस आया 1765 में एज द गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ ऑफ बंगाल। तो कमांडर ऑफ चीफ ऑफ बंगाल भी बन गया था। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द कंबाइंड फोर्सेज, कल पढ़ा चुके हैं आपको, मीर कासिम शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू, और अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया था। इस युद्ध को जीतने के बाद क्या हुआ था, आपको मालूम है कि दीवानी राइट्स, राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यूज ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वॉज ग्रांटेड टू द ब्रिटिश बाय द मुगल एम्परर, ये भी आपको कल बता दिया था। इसके बाद ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, आपको मालूम है कि इसने जो है बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट स्टार्ट किया था, ये तो आपको मालूम ही है, आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था। तो बंगाल में कभी भी पूछा जाए कि ड्यूअल गवर्नमेंट या डायार्की की शुरुआत किसने की थी, तो ड्यूअल गवर्नमेंट और डायार्की की शुरुआत जो है हमारे नवाब सिराजुद्दौला साहब, अरे सॉरी, हमारे रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के समय में 5 युद्ध लड़े गए थे, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 युद्ध जो हैं रॉबर्ट क्लाइव के समय में लड़े गए थे, आपको मालूम ही है। एक तो लड़ा गया था बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, पहले सबसे पहले प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, आपको मालूम है। फिर लड़ा गया था बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। इसके बाद लड़ा गया था बैटल ऑफ बेडारा, बैटल ऑफ बेडारा आपको मालूम है 1759 में। उसके बाद बैटल ऑफ वैंडी वॉश, वैंडी वॉश का युद्ध 1760 में, और इसके अलावा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये भी आप पढ़ चुके हैं, एंग्लो मैसूर वॉर, पहला एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 1769। तो ये 5 युद्ध जो हैं आपको मालूम है कि जो है रॉबर्ट क्लाइव के समय में लड़े गए थे। देखिए, बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने लास्ट नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को हराया। बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों ने ट्रिपल फोर्सेस को हराया, जिसमें कि शाह आलम टू, मीर कासिम और नवाब शुजाउद्दौला थे अवध के। बैटल ऑफ बेडारा में 1759 में अंग्रेजों ने जो है डचेस को हराया था। बैटल ऑफ वैंडी वॉश में, जिसे थर्ड कार्नेटिक वॉर कहते हैं, उसमें अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया था। और एंग्लो मैसूर वॉर आपको मालूम है, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध भी आपने पढ़ा होगा, जो 1767 से 1769 के बीच हुआ। तो इतनी सारे युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव के समय में लड़े गए थे, याद रखिएगा। 1772 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो भारत से लौटकर इंग्लैंड चला गया, और इंग्लैंड जाकर के क्या हुआ कि इसने आत्महत्या कर ली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कौन से ब्रिटिश गवर्नर ने आत्महत्या कर ली थी, तो इसने सुसाइड करी थी आफ्टर रिटर्निंग टू इंग्लैंड इन द ईयर 1772। सो इंग्लैंड जाकर के 1772 में इसने आत्महत्या कर ली थी, क्यों की थी ये अभी तक किसी भी चीज में क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है पता नहीं क्यों की थी। हाँ, हो सकता है अब्दुल जी भारत में किसी बाबा वगैरह से मुलाकात हो गई हो तो इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली हो, ठीक है, लेकिन यही एकमात्र ऐसा गवर्नर है जिसने कि इंग्लैंड जाने के बाद 1772 में आत्महत्या कर ली थी। सो दिस एंड्स विद योर रॉबर्ट क्लाइव, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें से आधी सीधे तो दादा मैंने कल ही बता दिया था, ठीक है, क्लियर है टू ऑल ऑफ यू, सबको भाई समझ में आ गया रॉबर्ट क्लाइव, यस क्लियर है, ओके दैट्स वेरी फाइन। रॉबर्ट क्लाइव के बाद अंग्रेजों ने पद का नाम चेंज कर दिया, और अब पद का नाम जो है वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने अब पद का नाम गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं, अब उन्होंने पद का नाम रखा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए, जब हम बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरलों की, व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में सबसे पहले आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785, 1772 से लेकर 1785 के बीच सबसे पहले आते हैं वॉरेन हेस्टिंग। अब होता क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग ने आते ही सबसे पहले एक कानून पास किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, समझिए, रेगुलेटिंग एक्ट नाम का कानून पास किया 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट नाम का कानून पास किया किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने। याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट
पहला कानून है जो अंग्रेजों ने भारत में पास किया था. इट वॉज द फर्स्ट लॉ विच वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया. अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए तो भारत में जो सबसे पहला कानून अंग्रेजों ने पारित किया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में. अब 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों ने पारित किया तो इसके तहत क्या हुआ, जो कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट था, दो पक्षीय शासन था बंगाल में, वो खत्म हो गया. मतलब दो पक्षीय शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी लेकिन दो पक्षीय शासन का अंत वॉरन हेस्टिंग्स ने किया था, याद रखिएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत. पहली चीज. दूसरी चीज यह है कि जब अंग्रेजों ने भाई ड्यूअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट खत्म कर दिया, इसका मतलब है कि जुडिशियल सिस्टम अब अंग्रेजों को देखना पड़ेगा. लेकिन जुडिशियल सिस्टम अंग्रेज देखें क्यों, कैसे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उनके पास कोई जुडिशियल पावर तो थी नहीं, तो वो न्यायपालिका चलाते कैसे. इसके लिए क्या हुआ कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप एट कैलकटा, याद रखिएगा. सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ कहां पर, कलकत्ता में. और ये जो सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ कलकत्ता में वो टोटल 4 जजेस के साथ हुआ था. टोटल 4 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में थे. और याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये दो चीजें हुई थी, पहली थी कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट वॉज एंडेड, दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप एट कलकत्ता. इसके बाद याद रखिएगा 1784 में इन्होंने एक और कानून पास किया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट इन द ईयर 1784. 1784 में इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट नाम का भी कानून पास किया. भाई ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? अब होता क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है, अब ब्रिटिश क्वीन जो थी उन्होंने कहा कि भाई भारत पे शासन तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है लेकिन शासन चलाने में मदद तो ब्रिटिश क्वीन भी कर रही है. तो ब्रिटिश क्वीन ने कहा कि जो भारत में कमाई अंग्रेज करते हैं वो कमाई सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की क्यों हो, उस कमाई पे भागीदारी जो है ब्रिटिश क्वीन की भी होनी चाहिए. तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये डिसाइड हुआ कि जो भारत में कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी वो ज्वाइंट होगी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं बल्कि ब्रिटिश क्वीन की भी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा भाई शासन चलाने मदद तो हम कर रहे हैं. ड्यूअल गवर्नमेंट, किशन मैंने कल आपको बताया था कि दो पक्षीय शासन है, किसी भी क्षेत्र में तीन चीजें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फाइनेंस होता है, जुडिशरी होती है. तो अंग्रेजों ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस हम देखेंगे, जुडिशरी राजा देखेंगे, इसे कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट कहा गया. लेकिन बाद में यह डिसाइड हुआ कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन भी हम देखेंगे, फाइनेंस भी हम देखेंगे और जुडिशरी भी हम देखेंगे, तो इसे कहा गया कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट एंडेड. तो ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म किया किसने, ड्यूअल गवर्नमेंट को एंड किया था हमारे वॉरन हेस्टिंग्स ने. क्लियर है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब देखिए होता क्या है, हमारे जो वॉरन हेस्टिंग्स साहब थे, वॉरन हेस्टिंग्स साहब के समय में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई, जैसे कि द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज फाउट, पहला आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया 1775 से 1782 के बीच, और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी लड़ा गया 1780 से 1784 के बीच. तो आपको यह मालूम है कि हमारे जो वॉरन हेस्टिंग्स साहब हैं उनके समय में दो युद्ध लड़े गए थे, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो 1775 से 1782 के बीच लड़ा गया, और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया जो कि 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया. ये दो वॉर जो हैं वो हमारे रॉबर्ट क्लाइव के समय में, अरे वॉरन हेस्टिंग्स के समय लड़े गए थे. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1785 से 1775-1782 के बीच जो हुआ इसमें जो है कुछ भी नहीं हुआ था, याद रखिएगा ये वॉर बेनतीजा निकला था. और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर आपको पढ़ाई चुका हूं, इसमें अंग्रेजों ने जो है हैदर अली की हत्या कर दी थी. ठीक है, ओके सर, प्लीज एक बार फिर पिट्स इंडिया एक्ट को एक्सप्लेन करिए. श्रुति, ऐसा है कि पिट्स इंडिया एक्ट, मैंने क्या कहा कि भारत पे शासन ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने के लिए ब्रिटिश क्वीन की जरूरत पड़ती थी, तो ब्रिटिश क्वीन ने कहा कि मदद तो हम भी कर रहे हैं, तो भारत में शासन का जो अधिकार है वो अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों हो, ब्रिटिश क्वीन को भी होनी चाहिए. तो यहां पे डिसाइड हुआ था कि भारत पर जो कंट्रोल होगा वो ज्वाइंट होगा, ब्रिटिश क्वीन का भी होगा और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भी होगा. अब हमारे जो वॉरन हेस्टिंग्स साहब थे, वॉरन हेस्टिंग्स साहब को भारत के लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक था, भारत का लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि भारत का सारा लिटरेचर तो संस्कृत में लिखा हुआ था, महाभारत रामायण ये सब चीजें तो जो है संस्कृत में लिखी हुई थी. तो ये हुआ कि भाई अब दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि आप भारतीयों को या तो इंग्लिश सिखाएं और या अंग्रेजों को संस्कृत सिखाएं, तभी तो ट्रांसलेशन हो सकता है. तो अंग्रेजों ने कहा, वॉरन हेस्टिंग्स साहब ने, कि ये ज्यादा बेहतर है कि भारतीयों को अंग्रेजी सिखाई जाए. भाई उससे दो पर्पस सॉल्व होंगे,
पहला तो यह है कि भारतीयों को अगर इंग्लिश सिखाई जाएगी तो पहली चीज तो यह है कि भारतीय जो हैं वो उनके लिए ट्रांसलेशन करेंगे और जो उनके सारे के सारे लिटरेचर्स हैं उनको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरी चीज ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन करती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पे शासन करने के लिए क्या होता था कि भारत पे शासन करने के लिए क्लर्क्स की जरूरत पड़ती थी, बाबू लोगों की जरूरत पड़ती थी और प्रॉब्लम यह होती थी कि इंग्लैंड से क्लर्क्स मंगाने पड़ते थे। इंग्लैंड से जो क्लर्क्स आते थे बहुत महंगे पड़ते थे, उनके रहने का इंतजाम करना पड़ता था, खाने का इंतजाम करना पड़ता था, प्लस उन्हें महीने की 50 रुपए सैलरी देनी पड़ती थी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम भारतीयों को पढ़ा लेते हैं, भारतीय चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए क्लर्क के ऊपर का तो पद उन्हें देंगे नहीं, प्लस ना उन्हें खाने का पैसा देना है ना रहने का खर्चा देना है, और भारतीयों को 7 रुपए की सैलरी पर अंग्रेजों ने नौकरी दी थी, 7 रुपीज पर मंथ पर। इसके लिए क्या हुआ कि इन्होंने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई 1784 में विद द हेल्प ऑफ विलियम जोन्स। विलियम जोन्स की मदद से इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई 1784 में, याद रखिएगा। और यहीं पर पहली बार याद रखिएगा गीता को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स विल्किंस, उन्होंने गीता को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया था। याद रखिएगा गीता को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया था चार्ल्स विल्किंस ने। गीता को पर्शियन में भी कन्वर्ट किया गया था और गीता को पर्शियन में कन्वर्ट किया था एक मुगल एम्परर हुआ करते थे औरंगजेब, उनके भाई थे जिनका नाम था दारा शिखो, उन्होंने जो है गीता को संस्कृत में पर्शियन में कन्वर्ट किया था। ठीक है, हमारे जो वॉरेन हेस्टिंग्स साहब हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स साहब के समय में ही मान, याद रखिएगा कि भारत का पहला न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड, भारत का पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था बंगाल गैजेट और इसकी शुरुआत सन 1817-80 में हुई थी। इस पेपर को स्टार्ट किया था एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स हिक्की, इन्होंने 1780 में जो है बंगाल गैजेट नाम के न्यूज़पेपर की शुरुआत करी थी 1780 में। याद रखिएगा ये पहला न्यूज़पेपर है जो भारत में स्टार्ट हुआ था, जेम्स हिक्की साहब ने स्टार्ट किया था। होता यह है कि बनारस के एक राजा थे जिनका नाम था महाराजा चैत सिंह, और महाराजा चैत सिंह से इनका बहुत ज्यादा दोस्ती याराना था। महाराजा चैत सिंह के शासन में एक कांड हो गया था और उनको बचाने के लिए ये खुलेआम घूस लेते पकड़े गए थे। तो ये खुलेआम घूस लेते पकड़े गए थे उनको बचाने के लिए, अब क्योंकि मीडिया तो आई चुकी थी, तो मीडिया जब आ चुकी थी तो भाई इनकी खबर न्यूज़पेपरों में छप गई कि भाई साहब ब्रिटिश गवर्नर जनरल घूस लेते पकड़े गए। इस वजह से ब्रिटिश क्वीन बहुत नाराज हुई और इन्हें इंग्लैंड वापस बुला लिया गया तो और इनके ऊपर इंपीचमेंट चलाया गया, इंपीचमेंट समझते हैं महाभियोग चलाया गया। हालांकि 13 साल इनके ऊपर इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग चली लेकिन बाद में इनको सारे जो हैं सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। तो ये याद रखिएगा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कौन से ब्रिटिश गवर्नर ने आत्महत्या की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, और किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का जो है इंपीचमेंट हुआ था, रॉबर्ट वॉरेन हेस्टिंग्स का इंपीचमेंट हुआ था। हालांकि मैंने बताया कि 13 साल के बाद इन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था लेकिन इनके ऊपर इंपीचमेंट प्रोसीडिंग चलाई गई थी। चार्ल्स विल्किंस है, एक्चुअली गलती से लिख गया होगा, चार्ल्स विल्किंस है। ठीक है शुभम, एक्चुअली आप नोट्स लिख भी सकते हैं और बाद में आपको मिल भी जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया आपका डन। तो दिस एंड्स विद योर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है आपका जो है डन हो गया और वॉरेन हेस्टिंग जो है 1772 से 1785 तक। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अगर क्लियर है तो जल्दी से जवाब दे दीजिए भाई। सबको क्लियर है, फटाफट जवाब चाहिए मुझे कि सबको क्लियर हो गया या नहीं हुआ। क्लियर है, ओके दैट्स वेरी गुड सर। देयर इज वॉर इन विच ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड, तुलिका एक वॉर था जिसमें अंग्रेज हारे थे वो मैं बताऊंगा, अभी रुक जाइए वो अभी दूर है, जब बताएंगे तब पढ़िएगा। ठीक है, हाउ एंड वेन यूज ऑफ रूपी करेंसी स्टार्टेड इन इंडिया। देखिए रूपी करेंसी की शुरुआत रोहित भारत में सबसे पहले जो टोकन करेंसी थी वो शेरशाह सूरी ने स्टार्ट की थी। ठीक है रोहित, क्लियर? तो वॉरेन हेस्टिंग हमारा डन हो गया, क्लियर है सबको? ओके दैट्स वेरी फाइन, आगे बढ़ सकते हैं। अब वॉरेन हेस्टिंग के बाद आगे बढ़ते हैं तो अगले गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, 1786 से 1793। अब होता क्या है समझिए, अब हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब के समय में क्या होता है भाई? इट इज 1774 और 1772 जयंत, इट इज 1772, डोंट वरी, 1772 है 1774 नहीं है। हाउ मेनी प्रोविंसेस वर देयर अर्नाउ? उस समय भारत में टोटल 15 प्रोविंसेस थी जिसमें 11 बड़ी थी जिन्हें गवर्नर प्रोविंसेस कहते थे, 4 छोटी थी जिन्हें चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहते थे।
ठीक है, ओके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब आते हैं। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने क्या किया देखिए, अब सबसे पहली बात यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई देखो एडमिनिस्ट्रेशन हम देखें, भाई इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन हम देखें, फाइनेंस हम देखें, जुडिशरी हम देखें और राजा बैठकर फ्री में जो है, विदेश चैत सिंह साहब जो है वाराणसी के महाराजा थे, ठीक है बिल्कुल नहीं शैलेश कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए तो अंग्रेजों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन हम देखें, फाइनेंस हम देखें, जुडिशरी हम देखें और राजा बैठकर फ्री में ऐश काटें और पेंशन उड़ाएं। सो होता क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। समझिए अंग्रेजों के हमारे भारत में कई लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स आए। अगर लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसे कहते हैं स्थाई बंदोबस्त। ये क्या था समझिए, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था, अंग्रेजों ने राजाओं से कहा, इस सिस्टम को बेटा याद रखिएगा जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, यहीं से जमींदारी सिस्टम आई। अंग्रेजों ने राजाओं से कहा कि भाई आप जो हैं अपने क्षेत्र का टैक्स खुद वसूलें, आप अपने क्षेत्र का टैक्स खुद वसूलें और टैक्स को वसूलने के बाद उसको 11 भागों में बांटें। अब राजा अपने क्षेत्र का टैक्स खुद वसूलता था और उस टैक्स को 11 हिस्सों में बांटता था, 11 इक्वल पार्ट्स में बांट देता था। अब उन 11 हिस्सों में से 10 हिस्से, 10 बटा 11 हिस्से जो है अंग्रेज रख लेते थे और 1 बटा 11 हिस्सा जो है राजा को मिल जाता था कि भैया रख लो मेहनताना के तौर पर रख लो। क्लियर है? तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या हुआ, जमींदारी सिस्टम बंगाल में कौन लेके आया था, हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब लेके आए। उन्होंने कहा राजाओं से कि भैया टैक्स तुम खुद वसूलो, टैक्स वसूलने के बाद 11 भागों में बांटो जिसमें से 10 हिस्से अंग्रेज रख लेते थे और 1 हिस्सा राजा को मेहनताना के तौर पर दे दिया जाता था। अब आप समझिए कि बदनाम कौन हो रहा था, राजा हो रहा था, क्योंकि जनता पर अत्याचार कर करके टैक्स वसूलता था राजा। सारे दुनिया में बदनामी राजा की होती थी और सारा टैक्स खाते थे अंग्रेज। तो इस सिस्टम को कहा गया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत करी बंगाल में, जिसे जो है जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं 1793 में, याद रखिएगा। अब होता यह है कि 1786 में अंग्रेजों ने देखा कि भारत में शासन करने के लिए उन्हें सिर्फ क्लर्क्स की जरूरत नहीं बल्कि उन्हें भारत में शासन करने के लिए बड़े अधिकारियों की भी जरूरत पड़ेगी, सिविल सर्वेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब आपको मालूम है कि अंग्रेजों को भारत में शासन करने के लिए सिर्फ अधिकारियों के नहीं, सिर्फ क्लर्क्स की नहीं बल्कि सिविल सर्वेंट्स की जरूरत पड़ रही थी और सिविल सर्वेंट्स को नियुक्त करना बहुत जरूरी था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सिविल सर्विसेज पेपर की शुरुआत करी 1786 में। अब होता यह है कि 1786 में सिविल सर्विसेज एग्जाम की शुरुआत करी इन्होंने और याद रखिएगा यह पेपर पहले इंग्लैंड में होता था, भारत में नहीं होता था, सिर्फ इंग्लैंड में होता था और अंग्रेज ये भी नहीं चाहते थे कि ज्यादा भारतीय इस पेपर को निकालें। तो याद रखिएगा भारतीयों के लिए जो मैक्सिमम एज रखी गई थी पेपर निकालने की वो 21 साल थी, मतलब भारतीयों को जो है 21 साल की उम्र में पेपर निकालना होता था मैक्सिमम, जो अभी एज 32 ईयर्स है वो 21 साल रखी गई थी। उसके बाद भी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिस्टर सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे मिस्टर सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई किया था। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम की शुरुआत 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की, जो पेपर इंग्लैंड में होता था, हालांकि भारतीयों के लिए मैक्सिमम एज रखी गई थी 21 साल। और सत्येंद्र नाथ टैगोर याद रखिएगा ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई किया था। फिर आपको मालूम है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1789 से 1792 के बीच। आपको मालूम है कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर का 50% क्षेत्र कब्जा लिया था और इस युद्ध का अंत जो है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम के बाद हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चार्टर एक्ट पास किया था 1793 में जिसे शाही कानून कहा जाता है। तो शाही कानून जो है इन्होंने पास किया था 1793 में। इस कानून में कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 बिल्कुल बकवास है, पढ़ने एग्जाम नहीं है, ठीक है।
नहीं उस समय घपला नहीं होता था बिल्कुल भी, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये सारी चीजें हुई थी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको समझ में आ गया लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें। सॉरी, तो भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस सबको क्लियर है? ओके, ये हो गया, बहुत बढ़िया बात। देखिए ये होता है जवाब। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस में हमें ये चीजें पढ़नी है। जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको वही पॉइंट्स पढ़ने हैं। मैंने क्योंकि आपको बहुत बार बोला है कि मैं एग्जाम को लेकर के पढ़ा रहा हूं, हमें वो पढ़ना है जो चीजें एग्जामों में खूब आ रही हैं, ठीक है। तो एग्जामों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेटा लॉर्ड कॉर्नवालिस में है, एक तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, उसके अलावा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और एंग्लो मैसूर वॉर, यही एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज्यादा। अब देखिए मैं आपको बता रहा था लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश, याद रखिएगा। थोड़ा सा बीच में अब एक चीज आपको बताता हूं, अंग्रेजों ने हमारे देश में तीन कोशिश करी, तीन टाइप से उन्होंने लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने की कोशिश करी। सबसे पहला था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो 1793 में लेके आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे हम जो है बता चुके हैं जमींदारी सिस्टम, ठीक है। विनय जी आप कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं कृपया मुझे बता दें, अगर 1793 नहीं हुआ तो मैं आज पढ़ाने से इस्तीफा दे दूंगा जीवन भर के लिए, ठीक है विनय जी। तो कृपया आप मुझे जो है सही से बताएं कि आपने कहां पर देखा है कि 1783 है। इसीलिए कहते हैं किताबें मत पढ़िए फालतू की जहां पर गलत सलत डेटा दिया हो। तो 1793 है, 1783 नहीं है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब अंग्रेजों का एक और सिस्टम था भारत में जिसे कहा जाता है रोटवाड़ी सिस्टम। अब देखिए अगर रोटवाड़ी सिस्टम की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1820 में हुई। 1820 में हुई, एक ब्रिटिश गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड मुनरो, उन्होंने स्टार्ट किया था। एक लॉर्ड मुनरो था, तो लॉर्ड मुनरो साहब ने 1820 में रोटवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की थी। रोटवाड़ी सिस्टम में क्या होता है याद रखिएगा, उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग उनका नाम ही था, लॉर्ड हेस्टिंग्स उनका नाम था, ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं, सिर्फ लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। तो उनके समय में उनके गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड मुनरो, उन्होंने 1820 में शुरू किया था। अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम एक हिस्सा भी राजा को क्यों दें। भाई पहले क्या होता था, 11 हिस्सों में टैक्स बांटा गया जिसमें से एक हिस्सा राजा ने रख लिया और 10 हिस्से अंग्रेजों को मिल गए। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि अब हम एक हिस्सा भी राजा को क्यों दें, तो अंग्रेजों ने कहा कि हम जो है डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करेंगे, डायरेक्टली टैक्स कलेक्शन फ्रॉम फार्मर्स। अंग्रेजों ने कहा कि भैया हम किसानों से डायरेक्टली टैक्स वसूल लेंगे, हमें जो है किसी की जरूरत नहीं है। तो 1793 में डायरेक्टली सॉरी 1820 में अंग्रेजों ने कहा कि हम किसानों से डायरेक्टली टैक्स वसूलेंगे, और रोटवाड़ी सिस्टम के नाम, रोटवाड़ी सिस्टम में अंग्रेजों ने कहा कि हम डायरेक्टली टैक्स वसूलेंगे और थोड़ा बहुत नहीं, जहां पर सूखी जमीन है वहां 50% टैक्स, और जहां पर इरिगेटेड जमीन है वहां पर 60%। आप समझ लीजिए, तो सूखी जमीन पर 50% टोटल प्रोड्यूस का, और अगर इरिगेटेड लैंड है, बढ़िया लैंड है, तो 60% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। मतलब कि आप 100 किलो गेहूं उगाते हैं तो 60 किलो अंग्रेज ही रख लेते थे। यह है उनका रोटवाड़ी सिस्टम। बताइए टैक्स के नाम पर लूट मचा रखी थी अंग्रेजों ने। रोटवाड़ी के बाद एक और सिस्टम आता है जिसका नाम होता है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम की शुरुआत 1833 में हुई थी। एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था विलियम बेनेटिक, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। विलियम बेनेटिक जो है उन्होंने 1833 में इस सिस्टम की शुरुआत करी थी, इसका नाम था महलवाड़ी सिस्टम। अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत को छोटे छोटे विलेजेस में बांट दिया और हर विलेज को कहते थे महल। उनका कहना था कि जो विलेज है उसको नाम दिया उन्होंने महल, और जो कलेक्शन ऑफ टैक्स था, कलेक्शन ऑफ टैक्स की जिम्मेदारी वॉज डन बाय द हेड ऑफ द विलेजेस। जो गांव का मुखिया होता था वो टैक्स का कलेक्शन किया करता था। तो टैक्स का कलेक्शन जो है वो हेड ऑफ द विलेजेस, जो गांव के प्रधान होते थे, लंबरदार होते थे, वो टैक्स का कलेक्शन करते थे। तो अंग्रेजों के तीन सिस्टम हमारे भारत में आए थे, जमींदारी सिस्टम 1793 में, उसके बाद रोटवाड़ी सिस्टम 1800
1820 में और महलवाड़ी सिस्टम 1833 में। ये याद रखिएगा, तीन सिस्टम्स अंग्रेजों ने हमारे देश में टैक्स कलेक्शन के निकाले थे। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको समझ में आ गया भाई, बहुत आसान थे तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर, तो अब हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और लॉर्ड कॉर्नवालिस के आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई सबको फटाफट? ये सब तो बुक्स में नहीं है, आई नो अब्दुल, ये बुक्स में नहीं है तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। क्लियर है, थैंक यू। ओके, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली इन इंडिया की बात करते हैं तो 1798 से 1805। सर ये सिस्टम कौन से प्रोविंस में लगाए गए थे ये याद करना पड़ेगा क्या? तुषार बस देख लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है उसको देख लीजिएगा कहां कहां लगाए गए थे। ठीक है, कितना टैक्स था सर रोहित? एक्चुअली वो टैक्स अलग अलग चीजों में अलग अलग वसूला जाता था, महलवाड़ी सिस्टम है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली आए 1798 से 1805। तो अब आप कहेंगे कि सर ये 1793 से 1798 के बीच में कौन आया, समझ रहे हैं आप? भाई आज भी वही टैक्स है सर, नहीं आज वो उतना नहीं है लेकिन अब कम है। तो 1793 से 1798 के बीच आपने क्यों नहीं पढ़ाया? देखो बेटा एक्चुअली ऐसा होता है, कई बार ऐसे गवर्नर जनरल आते थे जो कुछ नहीं करते थे, मतलब वो आए 5 साल बैठे रहे और कुछ भी नहीं किया, तो जाहिर सी बात है जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो उनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है। क्लियर है, तो उनको हम नहीं पढ़ते हैं, उनको हम स्किप कर देते हैं, उनके समय में कुछ हुआ ही नहीं, तो जब कुछ किया ही नहीं तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1798 से 1805, अब अंग्रेजों की समझिए एक बहुत बड़ी चिंता थी। अंग्रेजों ने कहा कि यार भारत में ब्रिटिश फौजों की भारी कमी है। भाई ब्रिटिश फौजें तो अंग्रेज भारत में थी नहीं, और ब्रिटिश फौजों को बढ़ाने का मतलब था पैसे का खर्च। भाई ब्रिटिश फौज भारत में कैसे बढ़ेगी, पैसे का खर्च होगा, और अंग्रेज पैसा खर्चा करना चाहते नहीं थे। तो अंग्रेजों ने एक सिस्टम निकाला भारत में जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, इसे कहते हैं सहायक संधि। भाई अंग्रेजों ने देखा कि भारत में बहुत सारे राजा हैं और राजा महाराजाओं में आपस में बिल्कुल पटती नहीं है। सपोज करिए एक राजा है एक्स, एक राजा है वाई, तो अंग्रेज दोनों ने देखा कि एक्स वाई का दुश्मन है, वाई एक्स का दुश्मन है। तो अंग्रेज एक्स के पास गए और उनसे पूछा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो उसने कहा मेरा सबसे बड़ा एनिमी वाई है। वाई के पास गए पूछा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो उसने कहा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन एक्स है। तो अंग्रेजों ने एक्स से कहा कि आप एक काम करिए, अपनी पूरी फौज ब्रिटिश फौज करवा लीजिए, ब्रिटिश फोर्स करवा लीजिए, हम वादा करते हैं कि वाई आपका कभी कुछ नहीं कर सकता है। वाई के पास गए उनसे पूछा तुम्हारा दुश्मन कौन, उसने कहा एक्स, तो वाई से कहा कि आप पूरी फौज ब्रिटिश फौज करवा लीजिए, हम वादा करते हैं कि एक्स आपका कभी कुछ नहीं हो पाएगा। इस तरह से क्या हुआ, सभी राजा इस चीज के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपनी फोर्सेस में ब्रिटिशर्स को इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तो अपनी फौज हटा दी और ब्रिटिश फौज को इंक्लूड कर ली, प्लस इस तरह से पूरे भारत में ब्रिटिश फौजें एक्सपैंड हो गई और अंग्रेजों को एक भी रुपया खर्चा नहीं करना पड़ा, क्योंकि फौज का खर्चा राजा खुद अपनी जेब से उठाया करता था, समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से जो है अंग्रेजों ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लेके आए, और याद रखिएगा सब्सिडरी अलायंस सिस्टम 1798 में लाए थे, और सबसे पहले जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने सबसे पहले जो है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को स्वीकार किया था, याद रखिएगा। तो सहायक संधि में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने ब्रिटिश फौजों को पूरे भारत में फैला दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस पूरी फौज का खर्चा जो है राजा खुद अपनी जेब से उठाता था। इस तरह से पूरे भारत में ब्रिटिश फौजें फैल गई, और याद रखिएगा हैदराबाद के निजाम सबसे पहले थे जिन्होंने इस सिस्टम को अपनाया था। जाहिर सी बात है यूनिटी नहीं थी, और अंग्रेजों ने हमेशा इसी चीज का फायदा उठाया था, और क्योंकि टीपू सुल्तान लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे इन चीजों के लिए, तो अंग्रेजों ने चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा और 1799 में टीपू सुल्तान को हरा करके पूरा मैसूर एम्पायर को भी कब्जा कर लिया था। तो ये हो गया लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में इतनी चीजें हुई थी। एक और चीज हुई थी याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, थर्ड पॉइंट एक याद रखिएगा कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया था, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया था 1803 से 1805 के बीच। याद रखिएगा ये वॉर जो है बेनतीजा था, इसमें भी कोई भी फैसला नहीं हुआ था। मध्यवक्त कहीं था सर फ्रॉम वीर मूवी, अरे वो बकवास चीजें हैं पवन, प्लीज उन पर ध्यान मत दें। सो ये हो गया हमारा लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली हो गया 1798 से 1805। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है? जल्दी बताइए, क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्लीज फास्ट, जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये चीजें। क्लियर, वेरी फाइन, दैट्स वेरी गुड, गुड, शाबाश,
भाई जल्दी, वाह 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 क्या बात है भाई, ये जवाब जब आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। आपको इतना आराम से चीजें बता रहे हैं, आप समझते रहिए। अभी तो आप देख रहे हैं कि अंग्रेजों का हमारे देश में एक तरफा शासन चल रहा है, मतलब जो चाह रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी रुके रहिए, अभी देखिए, अभी क्रांतियां होंगी। अभी तो एक तरफा शासन चल रहा है, मतलब अभी यूनि डायरेक्शनल शासन चल रहा है। अभी उनको भारत में रोकने वाला कोई नहीं था, किसी में इतनी दम नहीं थी कि उन्हें भारत में कोई रोक सके। क्लियर है? ओके, दैट्स वेरी फाइन। अब लॉर्ड वेलेस्ली के बाद आते हैं सर जॉर्ज बर्लो। 1805 से 1807 के बीच आते हैं जॉर्ज बर्लो। अब देखिए, अब जॉर्ज बर्लो के समय में क्या होता है, एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह कब हुआ था, तो 99% लोग मेरे से कहेंगे कि सर हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह 1857 में हुआ था, मंगल पांडे ने किया था। भाई 99% लोग यही कहेंगे। 1857 में सबसे पहला म्यूटिनी हुई थी, सबसे पहला म्यूटिनी ऑफ सिपाही, सिपाहियों का विद्रोह हुआ था, सब लोग यही कहते हैं, सबसे पहले यही है। गलत जवाब, याद रखिएगा, हमारे देश में सिपाहियों का सबसे पहला विद्रोह 1857 में नहीं, हमारे देश में सबसे पहला विद्रोह 1806 में हुआ था, वेल्लोर में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के वेल्लोर में पहली बार सिपाहियों का विद्रोह हुआ 1806 में। और होता क्यों है, इनका टाइम पीरियड कम क्यों है, अभी बताते हैं आपको। इसीलिए कम है क्योंकि इनके समय में एक बहुत ही फेमस म्यूटिनी हुई, म्यूटिनी ऑफ वेल्लोर, सिपाहियों का वेल्लोर में एक विद्रोह हुआ 1806 में। और इस विद्रोह में क्या होता है, यह विद्रोह हुआ था ड्रेस कोड को लेकर के, ड्रेस कोड को लेकर के विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों ने हिंदू सैनिकों से कहा, वेशभूषा को लेकर बवाल हुआ था, अंग्रेजों ने हिंदू सैनिकों से कहा कि कल से भैया तुम टीका लगाकर ऑफिस नहीं आओगे, और मुसलमान सैनिकों से कहा कि भैया क्लीन शेव होकर के ऑफिस आओगे। हिंदू सैनिकों से कहा कि टीका लगा के ऑफिस नहीं आओगे, और मुसलमान सैनिकों से कहा कि भैया आप जो है क्लीन शेव होकर के ऑफिस आएंगे। अब जाहिर सी बात है, हिंदुओं से आप कहोगे टीका नहीं लगाओगे, मुसलमानों से कहोगे दाढ़ी बनाओगे, तो भैया विद्रोह तो हो नहीं था। हमारे देश के लोग जो हैं धर्म को लेकर आपको मालूम है कि बहुत सेंसिटाइज होते हैं। भारत के लोग धर्म के अलावा कुछ भी नहीं देखते, धर्म उनके लिए सबके ऊपर है। और इस चक्कर में 1806 में तमिलनाडु के वेल्लोर में एक विद्रोह हुआ। हालांकि विद्रोह बहुत छोटा था और अंग्रेजों ने कुछ ही दिन में इस विद्रोह को शांत करा दिया, लेकिन याद रखिएगा इस विद्रोह के चक्कर में लॉर्ड जॉर्ज बर्लो की नौकरी चली गई और ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। इनसे कहा भैया तुम वापस आ जाओ, ये विद्रोह हुआ क्यों, ये नहीं होना चाहिए था, इस वजह से जॉर्ज बर्लो को वापस बुला लिया गया। अब आते हैं लॉर्ड मिंटो वन, 1807 से 1813 के बीच, याद रखिएगा। एक बाद में लॉर्ड मिंटो सेकेंड भी आएंगे, इसलिए लॉर्ड मिंटो वन। अब आपको मालूम है कि भारत के जो नॉर्दर्न पार्ट था, देखिए ये है भारत का नॉर्दर्न पार्ट, और आपको मालूम है कि जो भारत का नॉर्दर्न पार्ट था, ये यहां पर जो है इस पूरे नॉर्दर्न पार्ट में, इस एरिया में जो है किसका शासन चलता था, इस पूरे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में शासन चलता था, आपको मालूम है, एक लोकल एम्पायर थी जिसका नाम था सिख एम्पायर, एक लोकल एम्पायर थी जिसका नाम था सिख एम्पायर, उसका शासन चलता था। लॉर्ड मॉर्ले बाद में आएंगे, 1909 में आएंगे, आप समझिए। सिख एम्पायर के शासन हुआ करते थे महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो सिख एम्पायर के शासक थे, महाराजा रंजीत सिंह। अब होता यह है कि अंग्रेजों ने प्रेशर डाला महाराजा रंजीत सिंह पे कि भाई आप सिख एम्पायर को हमारे कंट्रोल में करिए। अब होता यह है बेटा कि दरअसल सिख एम्पायर को कंट्रोल की मांग करी, महाराजा रंजीत सिंह के पास अब कोई खास ऑप्शन बच नहीं रहा था। अंग्रेजों का शासन भारत में इतना पावरफुल होता जा रहा था कि महाराजा रंजीत सिंह अपने शासन को कुछ दिन बचा तो सकते थे, लेकिन अब वो अपने शासन को बिल्कुल रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अंग्रेज किसी को छोड़ने वाले नहीं। जब तो वर्चस्व की लड़ाई थी, उन्हें पूरे भारत पे शासन चाहिए था, तो उन्हें किसी को छोड़ना तो नहीं था। तो महाराजा रंजीत सिंह से उन्होंने कहा कि भाई आप सिख एम्पायर को हमारे कब्जे में कर दीजिए, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि भाई अभी नहीं। तो हुआ यह कि महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ लॉर्ड मिंटो के बीच, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर का समझौता हुआ 1809 में, जिसके तहत यह डिसाइड हुआ कि जो सिख एम्पायर है वो सतलुज नदी के पीछे शिफ्ट हो जाए। पहले सिख एम्पायर यहां तक होती थी, लेकिन इसके बाद जो है सिख एम्पायर को सतलुज नदी के पीछे भेज दिया गया, मतलब सतलुज के पीछे साइड सिख एम्पायर का शासन है और सतलुज के इस साइड जो है वो अंग्रेजों का शासन है। तो पहले में अंग्रेजों ने थोड़ा सा शासन कब्जाया किया, आपको मालूम है अंग्रेजों की मैंने बताया इंप्रोवाइजेशन से वो काम करते थे, थोड़ा थोड़ा शासन कब्जा करते थे।
लॉर्ड मिंटो के समय में एक कानून पास इन्होंने किया जिसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब देखिए 1813 में चार्टर एक्ट पास हुआ, शाही कानून पास हुआ। भाई आपको मालूम है कि अंग्रेजों की हमारे देश में ट्रेड मोनोपोली थी। ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या होता है, हमारे देश में अंग्रेजों का व्यापारिक वर्चस्व था, ट्रेड पर मोनोपोली थी। ट्रेड पर मोनोपोली का मतलब क्या होता है, ट्रेड पर मोनोपोली का मतलब होता है कि हमारे देश के किसान वही चीज उगा सकते थे जो कि अंग्रेज डिसाइड करते थे, और हमारे देश के किसान कुछ भी चीजें उगाने के बाद उसे मार्केट में नहीं बेच सकते थे, उन्हें वो सारी चीजें अंग्रेजों को ही बेचनी पड़ती थी, और अंग्रेज कौड़ी के दाम पर उन चीजों को खरीद कर इंटरनेशनल मार्केट में हैवी प्रॉफिट में बेचा करते थे। तो ये क्या है, ट्रेड मोनोपोली है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई हमारी तो ट्रेड पर मोनोपोली है, तो ब्रिटिश क्वीन ने कहा कि भाई तुम्हारी ट्रेड पर मोनोपोली क्यों रहे, भाई जब शासन हटने में हम तुम्हारी मदद करते हैं तो ट्रेड पर मोनोपोली क्यों रहे। चार्टर एक्ट शाही कानून होते हैं, इंग्लैंड से आता था खबर इसके लिए। तो चार्टर एक्ट 1813 जब पास हुआ तो ट्रेड मोनोपोली जो थी वो खत्म हो गई, अंग्रेजों की ट्रेड मोनोपोली वॉज एंडेड। तो ट्रेडिंग मोनोपोली जो थी वो खत्म कर दी ब्रिटिश क्वीन ने, उन्होंने कहा कि भाई ट्रेड पर तुम्हारी मोनोपोली नहीं होगी, हम भी तो भारत में शासन करते हैं तो हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो ट्रेडिंग मोनोपोली वॉज एंडेड, लेकिन दो चीजों पर उनको अभी भी अधिकार था, दो चीजों पर वो अभी भी अधिकार रखते थे। पहला, ट्रेड ऑफ टी एंड ओपियम, चाय और अफीम के व्यापार पर अभी भी उनका वर्चस्व था, मतलब चाय और अफीम के व्यापार में उनपे कोई रोक नहीं थी। और दूसरा जो था वो ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ व्यापार करने पर अभी भी उनका वर्चस्व जारी था। तो चाय और अफीम के व्यापार करने पर अभी भी उनका वर्चस्व था, और चाइना के साथ व्यापार करने पर। तो ट्रेड पर मोनोपोली तो खत्म हो गई, लेकिन दो चीजों पर मोनोपोली अभी भी जारी थी, चाय और अफीम के व्यापार में और चाइना के साथ व्यापार करने में। तो आपके चार्टर एक्ट में दो चीजें आई थी, पहली चीज यह थी कि ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई, दूसरी चीज यह थी अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत में हर साल शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए देंगे, जो ना कभी दिए नहीं। अंग्रेजों ने कहा कि भारत में हम हर साल शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए देंगे, जो उन्होंने कभी दिए नहीं, बात अलग है, वो तो झूठ बोलते थे, यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। तो उन्होंने कहा था कि हम 1,00,000 रुपए देंगे, लेकिन उन्होंने कभी 1,00,000 रुपए नहीं दिए थे। तो ये हो गया लॉर्ड मिंटो वन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है, समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बताएं मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं नितिन, कभी नहीं रेड फोर्ट पे कब्जा नहीं किया था। यस वैभव, ओके दैट्स वेरी फाइन, दैट्स गुड भाई, सबका जवाब आ रहा है मेरे पास, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो रहा है। लॉर्ड मिंटो हो गया, 1813 तक हम पहुंच चुके हैं। तो 1813 तक अब हम पहुंच चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे। सब लोग पहले जवाब दें कि सबका क्लियर है या नहीं है। सरोज में गिवन ट्रेड मोनोपोली वॉज एक्सटेंडेड, अरे भाई ट्रेड मोनोपोली खत्म की, उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था 1833 के लिए, लेकिन दो चीजों पर बढ़ाया गया था बेटा 20 सालों के लिए, ठीक है, बाकी सब पे खत्म कर दिया था, दो चीजों पर 20 साल के लिए बढ़ाया था, आपके चाय और अफीम के व्यापार में, क्लियर है, और चाइना के साथ व्यापार करने पर, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे लॉर्ड हेस्टिंग इन इंडिया। अब भारत में लॉर्ड हेस्टिंग इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग आए थे 1813 से 1823। देखिए ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, ये सिर्फ लॉर्ड हेस्टिंग है, 10 साल ये रहे, लेकिन इनके समय में कुछ हुआ नहीं। अब होता यह था कि अंग्रेज जो है, समझिए, वो चाइना के साथ व्यापार करते थे। अंग्रेज क्या करते थे, चाइना के साथ व्यापार करते थे। तो अंग्रेजों का सामान जो है वो कहां जाता था, चाइना जाता था, देखिए यहां कलकत्ता से ऐसे चाइना जाता था। तो रास्ते में क्या होता था, नेपाल पड़ जाता था। अब रास्ते में क्योंकि नेपाल पड़ जाता था तो अंग्रेजों को, नेपाल के राजा को टैक्स भरना पड़ता था। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई नेपाल के राजा को टैक्स क्यों भरें, एक काम करते हैं नेपाल को ही कब्जा लेते हैं। तो अंग्रेजों ने नेपाल के ऊपर युद्ध छेड़ दिया, एंग्लो नेपाल वॉर लड़ा गया 1814 से 1816 में। अंग्रेजों ने कहा टैक्स भरने से अच्छा है नेपाल पे ही कब्जा कर लेते हैं, और 1814 से 1816 के बीच नेपाल युद्ध लड़ा गया। लेकिन अंग्रेजों को नहीं मालूम था कि नेपाल में एक बड़ी शक्तिशाली ट्राइब है जिसका नाम है गोरखा, बहुत वफादार और बहुत शक्तिशाली ट्राइब है जिसका नाम है गोरखा। उन्होंने अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया, और जब दोनों तरफ से युद्ध में सब लोग मरने लगे तो अंग्रेजों की वही पुरानी आदत, आओ भैया समझौता कर लेते हैं। और अंग्रेजों ने वहां पर एक समझौता किया जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सगौली, जिसे सगौली का समझौता कहते हैं 1816 में। ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप हमें नेपाल का एक तिहाई क्षेत्र दे दीजिए। तो नेपाल का
एक तिहाई क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ये वो क्षेत्र था जहां से उनका चाइना रास्ता जाता था और अंग्रेजों को उसी से मतलब था, बाकी तो उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं था। तो अंग्रेजों को सिर्फ मतलब ही इसी चीज के लिए था कि उनका बस टैक्स फ्री हो जाए। तो ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद उन्होंने नेपाल का एक तिहाई क्षेत्र कब्जा लिया और वापस चले गए। इसीलिए याद रखिएगा, नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना। नेपाल जो है उसका एक तिहाई क्षेत्र कब्जाया तो गया था, लेकिन कभी भी वो किसी का गुलाम नहीं बना, क्योंकि कभी उसका गुलाम बने ही नहीं, क्योंकि उसका पूरा कब्जा हुआ ही नहीं। तो नेपाल वॉर जो है 1814 से 16 में लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध कांड ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद हुआ। थैंक यू अर्नव। अब होता समझिए क्या है कि ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद क्या होता है, जब अंग्रेजों ने हमारे देश में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को कब्जा किया, बनाया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी जब अंग्रेजों ने हमारे देश में बनाई, तो याद रखिएगा उन्होंने नेपाली गोरखाओं को भी उसमें इंक्लूड किया। और इसी वजह से आज भी याद रखिएगा, हमारे देश की इंडियन आर्मी में एकमात्र अगर कोई विदेशी अलाउड है तो नेपाली लोग अलाउड हैं। आज भी गोरखा इंडियन आर्मी का हिस्सा होते हैं, और इसीलिए हमारे देश की इंडियन आर्मी में एक स्पेशल रेजिमेंट है जिसे गोरखा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हेस्टिंग साहब ने बनाई थी। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के साहब के समय में आपको मालूम होना चाहिए, अभी आपको पढ़ाया था, रोटवाड़ी सिस्टम भी शुरू हुआ था। रोटवाड़ी सिस्टम इन्हीं के समय में शुरू हुआ था 1820 में। और इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1816 से 1819 में, आपको पढ़ा चुका हूं, जिसे बैटल ऑफ पिंडारी भी कहा जाता है। और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों ने मराठा एम्पायर का अंत कर दिया था। ठीक है ना बेटा पवन, गोरखाज आर फ्रॉम नेपाल। तो बैटल ऑफ पिंडारी जिसे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं, इसमें अंग्रेजों ने जो है क्या किया था, अंत कर दिया था फाइनली मराठा एम्पायर का। तो किसी ने भी मुझसे पूछा था कितने मराठा वॉर लड़े गए थे, 3 मराठा वॉर लड़े गए थे। तो ये हो गए लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के बाद अब आते हैं विलियम बेनेटिक। देखिए विलियम बेनेटिक की बात करते हैं तो 1828 से 1835 के बीच में देखिए कुछ और गैप्स हैं। अब कुछ और गैप्स क्यों हैं, क्योंकि कुछ ऐसा व्यक्ति आया था, लॉर्ड एमरेस्ट आए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था। अविनाश रोटवाड़ी क्या है सर, अभी पढ़ाया था आपको, आप पीछे वीडियो देख लीजिएगा। विलियम बेनेटिक के समय भारत में एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुआ करते थे जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। राजा थोड़ी ना थे, तो राम मोहन रॉय थे। इन्हें राजा का नाम आपको मालूम है अकबर 2 ने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजा राम मोहन रॉय, हमारे देश में एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या थी जिसका नाम था सती प्रथा। भाई हमारे देश में क्या होता था बेटा, सती प्रथा चलती थी। मतलब हस्बैंड मर जाए तो पत्नी को जिंदा उसकी अर्थी के साथ जला दिया जाता था। मतलब बताइए भारत किस तरह का देश था कि औरत को जिंदा जो है उसके पति के साथ जला दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो है उसका पति मर गया तो पत्नी को जिंदा जला दिया गया, जिसे सती प्रथा कहते हैं। और होता यह है कि सती प्रथा एक बहुत खराब कानून था, इसका दुनिया विरोध कर रही थी। सती प्रथा बहुत खराब चीज थी। भारत में आदमी मर जाए तो औरत जो है उसको जिंदा जला दो, औरत मर जाए तो आदमी 100 शादी कर ले, कोई परेशानी नहीं है। बताइए इस तरह के देश में हम रहते हैं जहां इस तरह की सामाजिक समस्याएं हैं। और राजा राम मोहन रॉय बहुत दिनों से सती प्रथा के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे थे। उनके प्रयासों को देखते हुए 1829 में विलियम बेनेटिक साहब ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। तो सती प्रथा पर रोक कब लगाई थी, 1829 में परमानेंटली विलियम बेनेटिक साहब ने लगाई और कहा कि सती करना अब एक अपराध है, और कोई भी इंसान अगर सती प्रथा में पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट था। अब होता यह है कि उस जमाने में हमारे देश में एक और बहुत चीज चलती, से कहते थे ठग्स। ठग्स होते हैं ना जो लोगों को सती और किसी रिलीजन प्रैक्टिस नहीं होती, ठग्स लोग होते थे, ठग लेते थे लोगों को। मतलब आप आए और आपको बेवकूफ बनाकर आपसे पैसा लूट लिया। और होता यह था कि ठगी प्रथा जो है वो बहुत खराब चीज थी। ठगों के ऊपर कोई चीज रोकने के लिए थी नहीं, ठगों को कोई भी चीज रोकने के लिए नहीं थी, कोई कानून नहीं था। तो विलियम बेनेटिक साहब ने 1830 में ठगी प्रथा पर भी रोक लगाई। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इंसान ठगी प्रथा करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो सती प्रथा पर 1829 में और ठगी प्रथा पर 1830 पर इन्होंने रोक लगाई। इनका याद रखिएगा जो एक एडवाइजर था जिसका नाम था मैक्यूले, लॉर्ड मैक्यूले नाम का इनका जो है एक एडवाइजर था, लॉर्ड मैक्यूले इनका एक एडवाइजर था। उसके कहने पर इन्होंने अंग्रेजी को मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री बना दिया। इन्होंने अंग्रेजी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था, याद रखिएगा 1835 में। 1835 में अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया इन्होंने, लॉर्ड मैक्यूले ने। और लॉर्ड मैक्यूले याद रखिएगा वही व्यक्ति है जिसने हमारे देश का पूरा लॉ सिस्टम लिखा था। तो लॉ सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड किसने लिखा था, लॉर्ड मैक्यूले ने लिखा था। और इसीलिए लॉर्ड मैक्यूले को फादर ऑफ द इंडियन लॉ सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन लॉ सिस्टम जो है लॉर्ड मैक्यूले, हमारे देश के जो सीआरपीसी, सीआईपीसी, सीपीसी की जो धाराएं हैं वो सारी लॉर्ड
जो है विलियम मैक्यूले साहब ने लिखी है। महलवाड़ी सिस्टम आपको मालूम अभी पढ़ा दिया, 1833 में भी इन्होंने शुरू किया था। इसके अलावा अब एक और चार्टर एक्ट आया 1833 में, याद रखिएगा। 1833 में एक और चार्टर एक्ट आया, तो जो 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड की गई थी, तो अब जो है जो क्या हुआ कि ट्रेडिंग मोनोपोली वॉज कंप्लीटली एंडेड बाई, ट्रेडिंग मोनोपोली जो है वो पूरी तरह खत्म हो गई। अब ट्रेड पर मोनोपोली बिल्कुल भी नहीं थी, पूरी तरह खत्म हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड पर मोनोपोली पूरी तरह कब खत्म हुई, 1833 में। दूसरी चीज, अंग्रेजों ने कहा कि भैया भारत पे अंग्रेजों का शासन तो अब पूरी जगह हो ही चुका है लगभग, भाई मराठा भी आ गया, मैसूर भी आ गया, हर जगह आ गया है, लेकिन पद का नाम अभी भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही है, तो उन्होंने कहा चेंज किया जाए। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पद था वो खत्म हो गया, और इस पद का नाम चेंज करके रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद खत्म हुआ और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद शुरू हुआ। इस तरह से लॉर्ड विलियम बेनेटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। आज भी वो लॉज हमारे देश में चल रहे हैं समंतप, ठीक है, आज भी वो लॉज हमारे देश में चल रहे हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद खत्म हुआ और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद शुरू हुआ। इस तरह हम कह सकते हैं विलियम बेनेटिक साहब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो थे, लेकिन साथ में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। 1828 से 1833 के बीच ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और 1833 से 1835 के बीच ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, क्लियर है। तो ये हो गया लॉर्ड विलियम बेनेटिक। अब पद जो आएगा वो आएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सती प्रथा की शुरुआत कैसे हुई और इसका कुछ लेना देना समुद्रगुप्त रीजन से है क्या? नितिन देखिए ऐसा है कि सती प्रथा शुरू कब हुई इसके आज तक कोई रिटर्न अवशेष नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताया था कुछ ऐसे स्रोत मिले जिससे लगता है कि सती प्रथा शायद चल रही थी, लेकिन समुद्रगुप्त से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो सती प्रथा थी या नहीं थी इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट है, वो कब थी वो अभी तक नहीं मालूम, नहीं खत्म जो है विलियम बेनेटिक साहब ने की थी। लॉ अभी भी है लेकिन कुछ आर्म्ड कुछ अमेंड भी हुए हैं, ऑब्वियसली बात है रोहित, लॉज आज भी वही हैं लेकिन उनमें कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ नए लॉज भी ऐड होते हैं, लेकिन वो सब चल रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में अगर हम देखते हैं तो आते हैं सर चार्ल्स मेटकाल्फ। अब 1835 से 1836 तो भैया एक साल में ही इन्हें हटा दिया गया, ऐसा क्यों किया गया भाई, ऐसा इन्हें क्यों किया गया, एक साल में हटा दिया गया, जाहिर सी बात है कुछ भारतीयों के लिए अच्छा ही किया होगा। उस जमाने में दरअसल एक कानून चलता था जिसे कहा जाता था वर्नाकुलर प्रेस। वर्नाकुलर प्रेस क्या होती थी, मतलब प्रेस तो हमारे देश में होगी लेकिन प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, मतलब प्रेस अपनी मर्जी से कोई भी खबर नहीं छाप सकती, मतलब प्रेस पर सेंसरशिप होगी, जैसे आज भी चाइना में होती है। आज भी चाइना में क्या है, सेंसरशिप ऑन मीडिया है, चाइना में आज भी वही छपता है जो सरकार डिसाइड करती है, वहां अपनी मर्जी से आज भी न्यूज़पेपर कुछ नहीं छाप सकते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस नाम का कानून चलता था। तो चार्ल्स मेटकाल्फ साहब ने कहा कि भैया जब प्रेस है और उस पर सारे प्रतिबंध हैं तो प्रेस होने का कोई फायदा नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेस पर से सभी रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया 1835 में। 1835 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नाम का कानून पास किया और इन्होंने प्रेस पर से सभी प्रतिबंध हटा दिए, इसीलिए इन्हें लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है। भारत में प्रेस को इंडिपेंडेंट करने का अधिकार जो था वो जो काम था वो चार्ल्स मेटकाल्फ ने किया था। अब इन्होंने ऐसा किया तो इनको भी यहां से इंडिपेंडेंट कर दिया गया कि भैया तुम भी वापस आ जाओ, ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। तो इन्होंने प्रेस को भारत में आजाद किया था, याद रखिएगा चार्ल्स मेटकाल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। अब देखिए लॉर्ड ऑकलैंड की बात करते हैं 1836 से 1842। अब होता क्या है कि अंग्रेजों का शासन अच्छा खासा भारत में चल रहा था। अब अंग्रेजों की नजर पड़ी अफगानिस्तान पर, अंग्रेजों ने कहा कि क्यों ना भैया अफगानिस्तान को भी कब्जा कर लिया जाए, और अंग्रेजों ने जबरदस्ती अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण तो कर दिया लेकिन लड़ना नहीं आता था वहां पर, क्यों, क्योंकि अंग्रेज सैनिक जो है वो खुले मैदानों में लड़ाई लड़ते थे और वो चले गए पहाड़ों पर भाई साहब, और पहाड़ों पर जब गए तो वहां पर तो आप जानते हैं अंग्रेजों को लड़ने की जो ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी, और वहां अलग से तालिबानी बैठे इंतजार कर रहे थे, और अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से जो है खदेड़ा किसने, अफगानियों ने, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में जो कि 1839 से 1842 के बीच लड़ा गया, और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में अंग्रेजों ने बुरी तरह से अंग्रेज हारे अफगानिस्तान में, बहुत बुरी तरह से, याद रखिएगा पहला युद्ध था जो अंग्रेज हारे थे। इस युद्ध के चक्कर में पूरी दुनिया में अंग्रेजों की बदनामी हुई और इसीलिए अफगान वॉर को जो है ऑकलैंड्स फॉली के नाम से भी जाना जाता है कि भैया तुम करने क्या गए थे अफगानिस्तान, जब अच्छा खासा शासन चल रहा था तो अफगानिस्तान क्यों करने गए थे, क्या करने गए थे।
तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कौन सा युद्ध जो है ऑकलैंड की बेवकूफी के नाम से जाना जाता है, तो अफगान वॉर को जो है ऑकलैंड फॉली के नाम से जाना जाता है। भावना आपने पूछा था ना अंग्रेज कौन सा युद्ध हारे थे, अंग्रेज ये युद्ध हारे थे, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हारे थे। ठीक है भावना, सर अफगानिस्तान भी किसी का गुलाम नहीं हुआ नेपाल का तरह? नहीं 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 तुषार, अफगानिस्तान बाद में 20th सेंचुरी में जो है यूएसएसआर का गुलाम था। ठीक है, क्लियर है, यूएसएसआर रशिया का गुलाम था अफगानिस्तान एक जमाने में, बाद में। तो ये हो गया लॉर्ड ऑकलैंड, क्लियर। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंगे, इनका एक्चुअली नाम था लॉर्ड हेनरी हार्डिंगे, इसे आप कह सकते हैं लॉर्ड हार्डिंगे वन, क्योंकि एक बाद में भी आएंगे 1844 से 1848, क्लियर है। अब होता क्या है, हाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड अ फिक्स्ड टेन्योर, नहीं बिल्कुल किसी का भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं था, लॉर्ड हार्डिंगे 1844 से 1848। अब होता यह है कि अब देखिए सिख एम्पायर पर अंग्रेजों ने कहा भैया खत्म किया जाए, कुछ नहीं बचा है, तो सिख एम्पायर पे अब अंग्रेजों ने सोचा कि आक्रमण किया जाए। अब होता यह है कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनकी मौत हो चुकी थी और उनकी जगह पे शासन था महाराजा दुलीप सिंह का, तो अंग्रेजों ने जो है फाइनली सिख एम्पायर पे आक्रमण किया। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज फाउट, पहला आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड सिख फोर्सेज लेड बाई महाराजा दिलीप सिंह, और इस युद्ध का अंत लाहौर के समझौते के साथ हुआ। अविनाश मैंने क्या बताया आपको, लॉर्ड एलन ब्रो क्यों नहीं पढ़ाया, जिसने कुछ नहीं किया उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके अविनाश। सो होता यह है कि इस युद्ध का अंत जो है लाहौर के समझौते के बाद हुआ, और इस समझौते के बाद 50% ऑफ सिख एम्पायर, 50% सिख एम्पायर वॉज अंडर द ब्रिटिशर्स, 50% सिख एम्पायर अंग्रेजों ने कब्जा कर ली, कब कर ली, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में, क्लियर है। तो पहले आंग्लो सिख युद्ध में 50% सिख एम्पायर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था लॉर्ड हार्डिंगे 1844 से 48। और अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है लॉर्ड डलहाउसी, 1848 से 1846 लॉर्ड डलहाउसी की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया एक काम करते हैं कि अब सिख एम्पायर का थोड़ा सा क्षेत्र बचा है उसको भी कब्जा लेते हैं, तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर लड़ा गया 1848 से 49, एंड इन दिस वॉर द होल सिख एम्पायर केम अंडर द ब्रिटिश रूल। अब समझिए, अब होता यह है कि आपके सिख एम्पायर जो है पूरी तरह से अंग्रेजों के अंतर्गत आ गया, और सिख एम्पायर के आते ही वो साल था 1849, याद रखिएगा 1849 वो साल था जब अंग्रेजों का शासन पूरे इंडिया पर हो चुका था। अब भारत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां पर अंग्रेजों का शासन ना हो, याद रखिएगा। अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई भारत पे हमारा शासन हो चुका है, अब उन्होंने कहा कि भारत का विकास जरूरी है। अब भारत का विकास करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत का विकास करने के लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले पहली भारतीय रेल चलवाई 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच, सबको मालूम है 16 अप्रैल 1853 को चलवाई थी। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन बिछवाई 1853 में, लाइन बिछवाई गई थी एक्चुअली कैलकटा से लेकर के डायमंड हार्बर तक, ये लाइन बिछवाई गई थी कैलकटा से, डायमंड हार्बर जो है वो भी कलकत्ता में ही है, वहां से वहां तक बिछवाई गई थी। लेकिन जब सर्विस शुरू हुई तो कैलकटा से आगरा तक जो है वो सर्विस को शुरू किया था। तो पहली टेलीग्राफ लाइन बिछवाई थी, पहले जो है टेलीग्राफ आता था, लोग कहते नहीं तार आया तार आया तार आया, ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो 1853 में जो है इन्होंने टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत करी कैलकटा टू आगरा, हालांकि जो लाइन बिछवाई गई थी वो कैलकटा से डायमंड हार्बर पहले आई थी। अब इस पॉइंट को अभी छोड़िए, इसको अभी बताते हैं थोड़ी देर में। अब इन्होंने भारत में पोस्टल सिस्टम की शुरुआत करी, पोस्टल सिस्टम की शुरुआत इन्होंने की भारत में, पूरे भारत में पहला पोस्टल स्टैम्प इशू करके 1854 में, 1854 में इन्होंने भारत का पहला पोस्टल स्टैम्प इशू किया और भारत में जो है पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत इन्होंने कर दी थी 1854 में करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट किया 1853 में, जिसे बाद में आईआईटी रुड़की के नाम से जाना गया, याद रखिएगा। 1853 में भारत का पहला जो है इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट किया, जिसे उस जमाने में थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज नाम का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1853 में, जो बाद में आईआईटी रुड़की बन गया। अब होता क्या है, ही स्टार्टेड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया, 1854 में इन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की शुरुआत किया, ठीक है, 1854 में पीडब्ल्यूडी की शुरुआत करी ताकि सड़कें और ब्रिज वगैरह बन जाएं। अब भारत में विधवाओं को जलाया तो जा नहीं रहा था क्योंकि भैया विडोरी मैरिज पास हो चुका, अरे क्योंकि भाई सती प्रथा पर रोक लग चुकी थी, लेकिन महिलाओं की जीवन में कोई खास फर्क नहीं आया था, अब भी उनका जीवन वैसे ही था, अब वो बुरी तरह से अपना जीवन जी रही थी, ना उन्हें कोई फंक्शन में बुलाता था ना कोई सेलिब्रेशन में बुलाता था, मतलब वो जिंदा लाश की तरह जीवन जी रही थी। तभी हमारे भारत में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर,
और ईश्वर चंद विद्यासागर साहब ने एक विधवा से शादी की और उस चक्कर में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून पास कर दिया 1856 में। 1856 में इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया भारत में, याद रखिएगा 1856 में। तो विधवा पुनर्विवाह कानून पास किया किसके काम पर, ईश्वर चंद विद्यासागर के देख करके। इसके बाद क्या होता है कि इन्हें जो है शिमला जाने का बहुत शौक था, तो इन्होंने भारत की समर कैपिटल बनवा दी शिमला को। शिमला जाकर ये बैठा करते थे गर्मियों में, तो शिमला को भारत की गर्मियों की राजधानी बनाई। भारत में प्राइमरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन को अच्छा करने के लिए इन्होंने एक शिक्षा आयोग को भारत में बुलाया जिसका नाम था वुड्स डिस्पैच। 1854 में इन्होंने वुड्स डिस्पैच नाम के एक शिक्षा आयोग को भारत में बुलाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 1854 में प्राइमरी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने कानून पास किया जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए वापस उस पॉइंट पे आते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नाम का कानून पास किया। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, इन्होंने कहा कि भैया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विलय की नीति हिंदी में कहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई राजा है और राजा की अपनी खुद की औलाद है तो राजा के मरने के बाद उसका बच्चा राजा बनेगा, लेकिन अगर राजा की खुद की औलाद नहीं है तो राजा के मरने के बाद उसके अडॉप्टेड बच्चा राजा नहीं बन सकता। और इस कानून के तहत अंग्रेजों ने कई साम्राज्यों को कब्जा लिया क्योंकि उन राजाओं के खुद की औलादें नहीं थी। जैसे कि उन्होंने कब्जाया सतारा को, सतारा महाराष्ट्र में है 1848 में, संभलपुर उड़ीसा में, एंड जैतापुर महाराष्ट्र में फिर से 1849 में, उदयपुर को कब्जा किया 1852 में, झांसी पर कब्जा किया 1853 में क्योंकि महाराणा लक्ष्मीबाई के साथ भी यही था, नागपुर पे कब्जा किया 1854 में, और अंग्रेजों ने लगे हाथ अवध मतलब लखनऊ पर भी कब्जा कर लिया 1856 में। जबकि लखनऊ के जो हैं जो राजा थे जिनका नाम था नवाब, जो लास्ट नवाब ऑफ लखनऊ थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह, उनकी तो भाई कई सारी बतनियां थी और कई सारे बच्चे थे, तो उन्होंने कहा भैया आप हमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्यों कब्जा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि लखनऊ के सारे नवाब जो हैं अय्याश हैं और लखनऊ जो है सुशासन नहीं कुशासन का शिकार है, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन का शिकार है। तो लखनऊ को भी अंग्रेजों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत 1856 में कब्जा कर लिया। तो ये हो गया हमारा लॉर्ड डलहाउजी और ये हो गया हमारा ब्रिटिश रूल बिफोर 1857।